हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम भूपेंद्र सिंह राठौर और आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। तो गाइस, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ने से पहले आपको कुछ एक बेसिक पता होना चाहिए। उसमें क्या है कि जितने भी आपके लेटर्स होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनमें सबका आपको अपोजिट याद होना चाहिए। ए टू जेड आपको अपोजिट याद होना चाहिए। अब अपोजिट कैसे याद करते हैं, सबसे पहले चीज़ ये देखना। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साफ सुथरेगा। देन अपन थोड़ा बात करते हैं कि इसमें ये जो लिखा हुआ है, ये मैंने क्या ट्रिक्स इनके ऊपर जो अप्लाई की थी याद करने के लिए, वो ये ट्रिक्स हैं। ठीक है, अब देखना टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, 26 होते हैं। अब अपने को अपोजिट करना है, ए टू जेड सबका अपोजिट करना है, तो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल मीन्स 13 एक तरफ और 13 एक तरफ, तभी तो सबका अपोजिट हो पाएगा इक्वली। तो मैंने 13 ए टू वन ए पहले पे और 30 नंबर पे एम, ए टू 30 रख दिया। देन 14 एन 14 पे और 14 टू आपका जेड 26। तो ए टू सॉरी 1 टू 13 एंड 14 टू 26, इसको अपने रखा तभी अपना क्या हुआ, अपोजिट होगा। अब इसमें एक चीज़ देखना कि मैंने जो नीचे नाम लिख रखे ये ए जेड का अजहर लिखा, तो इसमें ए और जेड आ रहा है अजहर के अंदर। ठीक है, अजहर के अंदर ए जेड आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, देन बॉय लिखा, बॉय में बी और वाई आ रहा है, तो बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट। देन क्रक्स लिखा, क्रक्स बाइक जो है उसका नाम है। देन सी और एक्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देन डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू के लिए मैंने यूज़ किया दूध वाला, दूध वाले के अंदर डी यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इवनिंग हो गया ई और वी का, यहाँ पे ई वी आ रहा है एक दूसरे का अपोजिट। एंड एफ और यू का मैंने यूज़ किया यूजफुल, यहाँ पे यू है और एफ है। देन जी टी का मैंने यूज़ किया जी टी वाई सी टी, ये एक गेम है बहुत ही पॉपुलर रहा हुआ है टाइम पे, गेम ट्रेंडिंग में था, पीसी गेम था एक। देन एच एस, एच एस को आप हाउस कह सकते हो, हॉर्स कह सकते हो, देन हायर सेकेंडरी कह सकते हो, जो भी आप चाहो वो यहाँ पे भी जो आप चाहो वो नाम यहाँ पे आप रख सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनका अपोजिट है, अपोजिट कौन सा होगा। ओके, देन आई आर मीन्स इंडियन रेलवे, आई और आर जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। देन जे क्यू मीन्स जैक पिन कर सकते हो, जयपुर पिन कर सकते हो, व्हाट एवर यू वांट कुछ भी आप कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपोजिट है वो अपोजिट किस वे में निकल के आएंगे। ठीक है, देन के और पी के लिए कल परसों, काला पानी, कपिल देव, कब, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे के और पी आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। देन एल ओ, एल ओ का ये वर्ड बहुत ही फेमस आज के टाइम पे, आई थिंक सो। तो लव ये अपन ने यूज किया। देन एम एन की बात की जाए तो एम एन के लिए मालवीय नगर अपन ने यूज किया। ठीक है, तो गाइज ये थी इनको याद करने की ट्रिक। और एक चीज मैं बता दूं कि अपोजिट जो है आपके, ये आपको 100% याद करने पड़ेंगे। ये अगर आप कम्प्लीटली अच्छे से याद कर लेते हो, देन आपकी जो दूसरी चीज़ है कोडिंग रिकॉर्डिंग में, क्या दो चीज़ मेन होती है, एक तो अपोजिट और एक आपका होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, अगर आपने अपोजिट अच्छे से याद कर लिया तो प्लेस वैल्यू में आपके कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटेड। आप सारी की सारी प्लेस वैल्यू क्या कर सकते हो, विद इन 2 to 3 seconds आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ए बी सी और डी यहाँ तक है, ये जो चार हैं 1 2 3 4, इतना बेसिक तो गाइस जिसने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा हुआ है या फिर नहीं पढ़ा हुआ है वो भी बता देगा कि ए बी सी डी का आपका 1 2 3 4 होता है। ओके, देन अपन बात करें तो एक ट्रिक होती है ई जे ओ टी वाई, इसको अपन इजोटी बोलते हैं। यहाँ पे देखना इन सब में डिफरेंस कितने का है, 5 का होगा, इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है उसमें, बिकॉज ये आपका 5 पे आता है, ये आपका 10 पे, ये आपका 15 पे, ये आपका 20 पे और ये आपका 25 पे, सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का चल रहा है। ओके, देन एक चीज देखना कि यहाँ पे इजोटी अगर आप याद कर लेते हो तो आपको बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा, सपोज दैट आपको इजोटी के थ्रू पता है कि ई कितने पे आता है, 5 पे, देन आप ई है ये 5 पे हो गया आपका, और ई के अगले वाला क्या होगा, एफ, ई के आगे एफ, तो एफ जो होगा ये इससे जस्ट नेक्स्ट है, तो 5 + 1 कर देते हैं, तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 6। ओके, देन जे, और जे की बात करें अपन तो ये रहा आपका जे, ये कितने पे है, 10 पे, तो इससे जस्ट एक आगे वाला
प्लस वन कितना हो जाएगा, इलेवन। इलेवन पे आपका क्या है, के। अगर अपन टेन में से माइनस वन कर देते हैं यहाँ से, देन ये कितनी हो जाता है, नाइन पे। नाइन पे क्या आपका आई। सेम आप ई में अप्लाई कर सकते हो, बट ई में डी आ रहा है, तो डी अपन ए बी सी डी वैसे भी पता ही है। देन अपन बात करें ओ की, तो ओ आपका आ रहा है फिफ्टीन पे। फिफ्टीन प्लस वन कर दिया अपन ने तो सिक्सटीन, सिक्सटीन पे आपका क्या आ गया पी, और फिफ्टीन माइनस वन कर दिया फोर्टीन। और वैसे भी अपना फोर्टीन है जब अपन अपोजिट याद कर रहे थे, तो अपना जो ए है, एक तो ए और जेड एंड देन एम एंड एन, ये चार लेटर तो वैसे भी अपने को पता चल रहे थे। वन टू थर्टीन अपन ने किया था अपोजिट के अंदर, है ना, हाफ हाफ किए थे, तब एम और एन का अपने को वैसे भी पता था। तो यहाँ पे ओ है, ओ फिफ्टीन पे, इसमें फिफ्टीन में प्लस वन क्या सिक्सटीन, सिक्सटीन पे आपका पी। देन टी की बात करते हैं, टी आपका ट्वेंटी पे। अब ट्वेंटी माइनस वन, और ट्वेंटी माइनस वन यानी कि नाइनटीन, और टी से जस्ट पहले एस, ओके। और ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन पे आपका यू। देन वाई, वाई आपका कितने पे ट्वेंटी फाइव पे, ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स, इस पे जेड, और माइनस वन ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर पे आपका एक्स। तो गाइज अब अगर आपका बच जाता है तो जी एच देन एल, अगर एल भी यहाँ पे नहीं बचता, बिकॉज अपने को यहाँ से पता चल रहा है एम का कितना होता है थर्टीन, और एल एम से जस्ट पीछे आ रहा है, तो अपन यहाँ पे माइनस वन कर देते हैं, तो ये ट्वेल्व पे, तो आपका एल भी यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। देन आपके बच जाते हैं क्यू और आर एंड देन डब्ल्यू और वी। अब देखना गाइस इनमें से एक तो आपका डब्ल्यू, ओके, देन एक देखो आप क्यू को, इन दो को देखो पहले। अब इजोटी जब अपन ने ट्रिक देखी तो जे है, जे दस नंबर पे आ रहा है, ओके, बट अपने को पता है जैक क्वीन से जे का अपोजिट क्यू होता है। अब जब अपने को ये पता है कि अपोजिट्स कौन से हैं, जे का अपोजिट क्यू है, ये अपने को पता है, और जे का प्लेस वैल्यू दस अपने को पता है, देन क्यू की प्लेस वैल्यू अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अपन ट्वेंटी सेवन माइनस जे की प्लेस वैल्यू टेन, ठीक है, ये अपन माइनस कर देंगे तो अपना कितना जाएगा सेवनटीन, और क्यू का आपका प्लेस वैल्यू कितना होता है सेवनटीन, ओके, देन सेवनटीन ये हो गया। और अगर अपन बात करें डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू में अपने को पता है जो डी डब्ल्यू है एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपने को पता है डी का बेसिकली सबके माइंड में रहता है डी फोर पे, ठीक है, ईजिली रहता है, तो डी फोर पे देन ट्वेंटी सेवन माइनस फोर ट्वेंटी थ्री, तो आपका डब्ल्यू का क्लियर हो गया ट्वेंटी थ्री। अब बचाते हैं भैया के जो एक तो वी है और एक आपका आर है, जो वर्चुअल रियलिटी आप कह सकते हो वी आर, है ना, वी। अब वी और आर का तो देखो इतना सिंपल सा है कि जब आपने डब्ल्यू का निकाल लिया है, क्यू का निकाल लिया, तो इसमें आप प्लस वन करके और इसमें आप माइनस वन करके निकाल सकते हो, बिकॉज डब्ल्यू से एक पीछे है ये वी और आर क्यू से एक आगे है, तो इससे आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब बचते हैं जी और एच, जी और एच की प्लेस वैल्यू है, वो आपको अगर याद करनी है कोई ट्रिक के मीडियम से तो आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मैं कहूँगा जितना कम आप ट्रिक अप्लाई करोगे उतना ही बेटर रहेगा। ट्रिक में आपको अप्लाई करना है केवल इजोटी, इजोटी ट्रिक्स को आप अप्लाई कीजिए और अपोजिट का कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, देन इजोटी और अपोजिट दोनों को एक साथ में जब आप यूज करोगे तो ये मान लीजिए कि आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग बिल्कुल चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में आप सोल्व कर दोगे क्वेश्चन को। देन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जी के लिए एक जी सेवन नाम से अपन ट्रिक रख सकते हैं। जी सेवन क्या होता है, इंटरनेशनल समिट होता है, इसमें सेवन कंट्रीज होती हैं, उन सेवन कंट्रीज के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं जी सेवन। देन एच है, एच की अगर अपन बात करें तो इस तरीके से अगर मैं ऊपर और नीचे से मिला दूं तो ये कुछ एट के जैसे लग रहे हैं, और एट इसकी क्या होती है प्लेस वैल्यू होती है, ओके। अगर आप ये ट्रिक अप्लाई नहीं करते हो देन भी आप इजोटी के थ्रू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एफ का ए के थ्रू पता चल गया एफ का सिक्स है, एफ का हाँ सिक्स होता है, ठीक है। देन जी एच है, जी का आप इसे निकाल सकते हो सेवन, एफ से सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन पे जी, और आई का आपको जे से पता चल गया नाइन है, तो नाइन माइनस वन एट, एट भी आपका एच। तो गाइस अगर आपकी माइंड के अंदर कैलकुलेशन करने की टेक्निक बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, तो आप है बस मैक्सिममली आप ट्वेंटी टू थर्टी क्वेश्चन को
प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत ही अच्छी है, अगर आप 20 से 30 क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग पे कीजिए और उससे बाहर आप ये मान लीजिए कि आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी। बस ये हाँ, ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन उससे बाहर आ सकते हैं, बिकॉज वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो। एक ही टाइप के 20-30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया आपने तो उसमें कोई मतलब वाली बात है नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जितने भी मैंने बताऊंगा आपको मैं वो सारे के सारे सॉल्व करना। देन गाइस, अभी अपन ने अपोजिट और प्लेस वैल्यू ये दो चीजें कवर कर ली है। अब अपन बात करते हैं किस पे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो आपके एक तो पहला टाइप का क्वेश्चन जो आता है उसमें क्या होता है कि सपोज दैट स्टेटमेंट के बिहाफ पे आते हैं दो क्वेश्चन, लाइक इफ थीफ इज नॉन एज पुलिस, थीफ को अपन पुलिस कहें, मीन्स चोर, चोर को यदि अपन सिपाही सिपाही कहें, एंड ये दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है कि पुलिस पुलिस इज नॉन एज जज, पुलिस को अपन जज कहें, यानी कि सिपाही को न्यायाधीश कहा जाए। एंड जज इज नॉन एज शॉपकीपर, मीन्स कि जो न्यायाधीश है न्यायाधीश को दुकानदार कहा जाए। देन हु विल डू जस्टिस इन कोर्ट, आपका पहला ऑप्शन है जज, सेकंड पुलिस, देन थर्ड थीफ एंड फोर्थ शॉपकीपर। तो गाइज ये आपको सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इसने कहा है सबसे पहले देखिए कि अगर आपके ये टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि किसी एक चीज को अपन दूसरे नाम से करें, उस दूसरे वाली चीज को अपन तीसरे नाम से करें, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट्स आपके इतने इन सबको आप सबसे पहले छोड़ देना क्वेश्चन में। सबसे पहले ये बिल्कुल मत पढ़ना, सबसे पहले आपको पढ़ना ये वाली लाइन कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है अपने वो सबसे पहले ये देखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जस्टिस है कोर्ट के अंदर कौन करता है, ठीक है, हु विल डू जस्टिस इन कोर्ट, यानी कि कोर्ट में आपका न्याय कौन करता है वो पूछ रहा है। अब सिंपल सी बात है, जस्टिस कौन करता है, जस्टिस करने का काम होता है जज का, बिल्कुल जज का काम होता है। बट एक चीज देखना, अब ये अपने लाइन पर लिखना, अब अपने को आने इन स्टेटमेंट्स पे, इन सारे स्टेटमेंट्स को अपने को देखना है। अब देखो जज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, जज यहाँ पे नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल छोड़ दो, आपके कोई काम का नहीं है। यहाँ पे जज है ये काम का है, और ये जज है यहाँ पे, दोनों में जज है ये आपके काम के हैं, ये दो अपने निकाल लिए। अब इन दोनों में देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना, ये पूछ रहा है कि न्याय कौन करता है, न्याय जज करता है, बट जज को अगर अपन शॉपकीपर कह दें, जज को अगर अपन शॉपकीपर कह दें तो उसमें कोई जो चेंजमेंट अपने को देखने को मिलेगा वो क्या होगा, इसके नाम का, इसमें ये थोड़ी कहा कि काम ही ये करने लग जाए, मैं इसके जज का काम शॉपकीपर करने लग जाए, ऐसा नहीं कहा है। इसने कहा कि जज इज नॉन एज शॉपकीपर, कि उसके ओहदे का नाम चेंज करके अगर अपन शॉपकीपर रख देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो न्याय नहीं करेगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करना, ये मत कर देना यहाँ पे कि जो पुलिस इज नॉन एज जज, तो आपकी बार पुलिस है उसको अपन जज कर रहे हैं तो आपका आंसर पुलिस होगा, ऐसा मत करना। अपने को देखना है कि जो अपने को पूछ रहा है उस सबसे पहले वो लाइन देखनी है, देन उस लाइन का आंसर करना है कि उसका आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर आपका जज है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स में देखना है कि उस चीज को आप किस नाम से पुकार रहे हो, इस चीज को अपन जो ये शॉपकीपर नाम है इससे पुकारें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शॉपकीपर ना कि पुलिस, ओके। और मैक्सिमम गाइस क्या करते हैं कि ये लाइन पढ़ी देन जज और यहाँ पे क्लिक कर दिया,
और यहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये तो थे गाइस आपके टाइप वन के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस पे। देन और होते हैं आपके टाइप टू की बात करें तो उसमें भी स्टेटमेंट भी आप भी आपके क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट के जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें स्टेटमेंट्स दिए थे उसमें भी स्टेटमेंट्स मिलेंगे आपको। अगर अपन बात करें टाइप टू के क्वेश्चन की तो उनमें क्या होता है, सपोज दैट आपको दिया हुआ है कि इफ राम इज गुड, ये एक स्टेटमेंट है आपका। इस स्टेटमेंट को किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखा जा रहा है, टी ए के ए पी ए, ओके। देन दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया राम वाज प्लेइंग, ओके। और इसमें इसने कह दिया पी ए एम ए एन ए, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसको किसी कोडिंग लैंग्वेज में अपन ये लिख देते हैं, और ये स्टेटमेंट है इसको अपन किसी कोडिंग लैंग्वेज में ये लिख देते हैं। देन ये पूछ रहा है कि आपका जो राम है इस राम का कोड वर्ड क्या होगा, इस इंडिविजुअल वर्ड का आपका कोड वर्ड क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कोई भी दो स्टेटमेंट, इसमें तो मैंने दो ही सिंपल दिए, उसमें एग्जामिनर क्या करेगा मिनिमम 4 to 5 आपको क्या देगा स्टेटमेंट्स देगा। तो कोई भी दो स्टेटमेंट्स आपको कंसीडर करने हैं, सपोज दैट मैंने फर्स्ट सेकंड कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपका राम आ रहा है, ठीक है। देन इनके अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, इनमें आपका पी ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो राम है ये कॉमन है, यहाँ पे पी ए कॉमन है, तो राम का आपका कोड क्या हो जाएगा पी ए, ओके। अब सपोज दैट यहाँ पे प्लेइंग की जगह पे लिखा होता एक स्टेटमेंट और होता आपका, आपका एक स्टेटमेंट और होता, प्लेइंग गेम्स, ठीक है। इस स्टेटमेंट को अपन लिखते हैं एन ए डी ए, ठीक है। अगर इसने पूछा सबसे पहले राम का कोड वर्ड क्या है, तो राम तो देखो गाइस पहले और दूसरे में आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन पी ए है, तो राम का कोड हो गया आपका पी ए। देन इज सपोज दैट आपसे पूछ लेता है प्लेइंग, प्लेइंग का कोड वर्ड क्या है, तो प्लेइंग आपका इन दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये दो स्टेटमेंट्स को आप कंसिडर करो। अब देखना पी अपन ने हो गया कि पी अपना जो है राम का कोड वर्ड है, तो इसको हटा दो और इसको यहाँ से हटा दो। अब बच गया वाज प्लेइंग और एम ए एन ए, और यहाँ पे प्लेइंग गेम्स, यहाँ पे एन ए डी ए। अब यहाँ पे आपका प्लेइंग कॉमन है दोनों में और एन ए कॉमन है दोनों में, तो प्लेइंग के लिए आपका क्या हो जाएगा कोड वर्ड एन ए, ठीक है। देन सपोज दैट आपसे पूछ रहा है गेम्स के लिए कोड वर्ड क्या होगा, गेम्स के लिए, तो गाइस देखना यहाँ पे प्लेइंग था ये हो गया, ओनली गेम्स बचा और यहाँ पे एन ए था ये हो गया, तो गेम्स के लिए आपका कोड वर्ड क्या हो गया डी ए, ठीक है। वाल्स के लिए आपका कोड वर्ड क्या हो गया एम ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोड वर्ड पूछेगा और जितने भी कॉमन आ रहे हैं उन कॉमन कॉमन के अंदर आपको अप्लाई करना है। अब सपोज दैट यहाँ पे पी अपना हो गया था और राम हो गया था, सपोज दैट आपसे पूछ रहा है इज का, इज का क्या होगा, तो इसमें सपोज दैट आपको ऑप्शन दिए हुए हैं टी ए के ए टी ए और के ए और नन ऑफ अबव, या तो आपका टी ए होगा या फिर के ए या फिर टी ए के ए, दोनों में से कोई एक या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा टी ए के ए में से कोई एक, नन ऑफ द अबव आपको नहीं करना है, बिकॉज इससे बाहर इन दोनों का आंसर नहीं जाएगा, ओके। ये था गाइस आपके टाइप टू का क्वेश्चन। देन अपन टाइप थ्री के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है कि सीधा सीधा आपको वर्ड्स दे सकता है। अब वर्ड्स कैसे देगा, टाइप थ्री के क्वेश्चन में सपोज दैट आपको दे दिया के ए आर ए एन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ करण इज कोडेड एच एल बी एस बी ओ, इफ करंट इज कोडेड एज एल बी एस बी ओ देन हाउ
विल बी कोडेड। तो पारुल को किस तरीके से कोड किया जाएगा कि अगर अपन किसी कोडिंग लैंग्वेज में करण को एल बी एस बी ओ लिख रहे हैं तब पारुल को अपन उसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। तो गाइस सबसे पहले देखो इसके अंदर जो करण है इसको लिख रहा है इस कोडिंग लैंग्वेज में, तो इन दोनों के अंदर रिलेशन देखो पहले। और रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या देखना है, जब भी आपके वर्ड्स की क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पे के की कितनी होती है 11, ए की आपकी होती है 1, आर की आपकी 18, इसकी 1, एन की 14, एल की आपकी होती है 12, बी की आपकी होती है 2, एस की 19, बी की 2, ओ की 15। ओके अब इन दोनों की जो प्लेस वैल्यूज है ना इनके अंदर जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना अपने को। अब यहाँ पे देखो 11 में अगर मैं प्लस 1 कर लेता हूँ तो क्या था 12 आता है आपका, 1 में प्लस 1 किया तो 2 आता है, 18 में प्लस 1 किया 19, 1 में प्लस 1 किया 2, 14 में प्लस 1 किया 15। तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का आपका यहाँ पे कंसेप्ट चल रहा है। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे क्या करो ये जो वर्ड है इसमें हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दो। पी आपका कितने पे आता है 16 पे, ए 1 पे, आर आपका 18 पे, और यू कितने पे आता है आपका, यू आपका आता है यूजफुल, एफ आपका था 6 पे, तो 27 में से आप 6 माइनस कर दो कितना हो गया 21, तो ये हो गया आपका 21 पे, ठीक है। देन एल आपका 12 पे। ओके तो अब देखो कि यहाँ पे प्लस 1 का कंसेप्ट था तो 16 प्लस 1, इसमें भी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1, तो 16 प्लस 1 17, और 1 प्लस 1 2, 18 प्लस 1 19, 21 प्लस 1 22 एंड 12 प्लस 1 13। तो अब देखो 17 नंबर पे क्या आता है आपका, 17 नंबर पे क्या आता है गाइस, जब आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तभी आप ये कर पाओगे और इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो 17 पे आपके गाइस जैसे कि ओ था वो आपका 15 पे था, इसके बाद में प्लस 1 करने पे आपका पी था, इसके बाद में प्लस 1 करने पे आपका क्यू था, देन आपने यहाँ पे ये 15 पे था, ये आपका 16 पे, और ये आपका 17 पे, प्लस 1 करने पे आपका आर था जो 18 पे था, तो 17 पे आपका हो गया क्यू, देन ये हो गया आपका बी, और 19 पे आपका एस, 22 पे आपका वी, देन यहाँ पे आपका एम, तो क्यू बी एस वी एम ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस वे के अंदर आपको जो कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन है टाइप 3 के वो सॉल्व करने हैं। ओके देन अपन बात करते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन की, कि टाइप 4 के क्वेश्चन जो हैं उनमें क्या होता है। टाइप 4 के क्वेश्चन में सपोज दैट आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि इफ इफ सी एच ए आई आर चेयर, इफ चेयर इज रिटन एज 1 2 3 4 5 देन एंड एंड एम ए एन जी ओ, एम ए एन जी ओ इज रिटन एज 9 3 7 8 6 9 3 7 8 6 देन वॉट विल बी द what will be the code for chair, what will be the code for chair, chair का कोड क्या होगा आपको ये बताना है। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपका क्या होगा, सबसे पहले देखो कि जब मैंने वर्ड्स का बताया था कि प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखना देन उनके अंदर रिलेशन देखना, अगर प्लेस वैल्यू में कोई रिलेशन ना लगे तब और या फिर आपको इस कंडीशन में दिया हो तब, यानी कि एक वर्ड लिख दिया और आगे कुछ डिजिट्स लिख दी, देन अपने को क्या करना है कि सी पहले नंबर पे है और यहाँ पे इस सीक्वेंस में 1 है तो सी को अपन कोड करेंगे 1 से। ओके देन एच को अपन कोड करेंगे 2 से, ए को करेंगे 3 से, आई को 4 से, आर को 5 से, तो यही इनका क्या हो जाएगा कोड वर्ड्स हो जाएंगे। तो अपने यहाँ पे देखो सी, सी कितने नंबर पे आ रहा है फर्स्ट पे, देन एच, एच की अरे चलो हेयर का देख लो, हेयर का आपका कोड वर्ड क्या होगा, तो यहाँ पे सी है, सी ऑलरेडी यहाँ पे है, देन एच देखो एच कितने पे आ रहा है 2 पे,
ए कितने पे आ रहा है? थ्री पे। आई कितने पे आ रहा है? फोर पे। आर कितने पे आ रहा है? फाइव पे। तो गाइस ये जरा थोड़े से मिस्टेक हो गए यहाँ पे, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस है, माइंड में बना के देखना ऑन द स्पॉट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गाइस थोड़ा सा बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आते किस टाइप से। यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ होगा, यहाँ पे आपको नंबर्स यानी डिजिट्स दिए होंगे, आपको यहाँ से हर एक लेटर का क्या करना है कि कोड निकालना है और देन उस कोड को यहाँ पे पुट करते चलना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके टाइप फोर की क्वेश्चन। देन अपन देखते हैं कि टाइप फाइव में, टाइप फाइव में क्या करता है वो, टाइप फाइव में वो करेगा लाइक आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया कि एक टेबल दे दी, एक टेबल के फॉर्म में लाइक ए बी सी डी ओ पी जी के और एल, ये आपको लेटर्स दे दिए इतने। देन इनके जो कोड है कुछ सिंबल्स दे देगा, लाइक ए का हो गया आपका हैश, इसका क्वेश्चन मार्क, देन इक्वल स्लैश डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड देन पैरेलल। तो अब आपको सपोज दैट पूछ लेगा डॉग के लिए आपका कोड वर्ड क्या होगा, तो आपको सिंपली क्या यूज करना है, डी देखो कहाँ पे है, ये रहा डी, डी के लिए क्या है स्लैश, तो स्लैश यूज किया। ओ के लिए क्या डिवीजन, डिवीजन यूज किया। देन जी, जी के लिए क्या एडिशन, एडिशन यूज किया। ये आपका आंसर इस तरीके से आ गया। तो आपको ये टेबल फॉर्म में भी दे सकता है या फिर यहाँ पे सिंबल्स की फॉर्म के बजाय आपको नंबर्स दे सकता है कि यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरीके से आपको दे दिया। देन आपसे पूछे तो डी का क्या हो जाएगा, 4 O का 5 G का 7, तो 4 5 7 आपका कोड हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आपकी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। अब जब अपन बात कर रहे थे टाइप्स पे, तो इसमें एक टाइप आया था वर्ड के ऊपर कि वर्ड के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस वर्ड के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उनकी है क्वेश्चन के एग्जाम में आने की। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग पैटर्न्स होते हैं कि किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो पैटर्न अगर आपको पता चल जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन वही पैटर्न है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस अगली वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा कि कहीं आपने देख लिया कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है और शॉर्ट ट्रिक क्या है, देन अपन खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो अगली वाली वीडियो जो है कंपलसरी आप मान के चलिए आपको पता होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और आज की वीडियो में केवल इतना ही देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हाँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड या फिर कोई भी आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन।